हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आज भी जल्दी उठ गया था। आज थोड़ी सी लेट उठा था, 6 बजे उठ गया था और फिर थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करके फिर वापस से लेट गया और फिर अब नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अभी 8 बज चुके हैं। और फिलहाल तो अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं या मंडी या शोरूम, तो इस जगह है अपने पास टाइम पास करने के लिए, तो फिलहाल चलते हैं। चलो तो गाइज मेन पार्ट है टोपी पहनना, वरना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ढूंढते हैं, यहाँ पे रखी थी मैंने रात को, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये पड़ी। गाइज टोपी मिल गई है तो टोपी को पहन लेते हैं। तो गाइज टोपी पहन ली है तो फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइज ब्रेकफास्ट में बना था बेल का जूस, लेकिन जब तक मैं पहुँचा तब तक ख़त्म, तो इसलिए अब मेरे लिए कुछ और बनाया जा रहा है। अभी बन रहा है बनाना शेक, ये देख लीजिए, अभी बन रहा है बनाना शेक। टाइम लगेगा, टाइम तो नहीं लगेगा, बस इसको ग्राइंड ही करना है, तो देखते हैं कितना समय लगता है, फिर बनाना शेक पी के फिर जाएंगे। तो गाइस शेक बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बनाना, ये हरा हरा क्या है इसके अंदर, अच्छा चेरी थी। तो फिलहाल लेते हैं बनाना शेक। भैया ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दादी जी भी इधर ही बैठी हैं, भजन चल रहे हैं सामने, फिलहाल अपन तो चलते हैं। चलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक तगड़ी साइकिल, जो कि पैरों से नहीं चलती, हाथों से चलती है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक साइकिल। ये देखिए गाइस, ये है 91 कंपनी की न्यू ब्रांडेड साइकिल ई सीरीज। इस पर यहाँ पे देख लीजिए वायर्स भी लग रहे हैं, इधर देख लीजिए ये कनेक्टेड है वायर से, और यहाँ पर इसके की लगती है जैसे बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह में लगती है इलेक्ट्रिक स्कूटी में, तो यहाँ से ऐसे की लगेगी, ऐसे इसको ऑन करना है और 3 सेकंड तक इसको होल्ड करके ये हो गई ऑन। और अब इसको देखो स्टैंड हटा देता हूँ मैं, देखो पैडल नहीं मार रहा हूँ, ऐसे रेस मारूँगा, देखो वाह गई, पकड़नी पड़ेगी। तो काफ़ी तगड़ी साइकिल है गाइस, ये मेरे एक दोस्त की है, वो अभी बाल कटवा रहे साइड में ही, तो मैंने सोचा कि आपको ये साइकिल दिखाता हूँ। तो काफ़ी तगड़ी है, पर राइड मार के देखते हैं इसकी, लगी हुई डिस्क ब्रेक आगे भी पीछे भी, तो मेरा मन कर रहा है फिर इसकी टेस्ट राइड करने का। और जो अभी करते हैं, ये है 250 वाट रियर हब मोटर, 250 वाट की मोटर इसके अंदर। ये मोड भी इसमें लो है, मीडियम हाई, तो इसको हम कर देते हैं हाई, तो देखिए कर दे स्टार्ट। चलो गिर मत जाना, हाँ बस चलो करो रेस, हाँ बस ये भी तो लो पे है, हाई पे करते तो भागेगी ये स्कूटी इधर, सही है ना भाई, ये लो भाई खेच ले गए भाई कालू भैया, बस मोड़नी भी है कल्डे हो गए आप तो, मजा नहीं है, ओरन नहीं है इसको, ओरन नहीं है इसमें, घंटी रही घंटी रही घंटी, हाँ घंटी है, आ जाओ बस बस रे बस बढ़िया है ना, बुक करनी है, लाओ फिर पे चेक दो, आप जल्दी से चेक दो, हाँ चेक दो जल्दी दे दो, चल जा मस्त चल रही है गाइस,
एकदम स्पीड दी। अड़ी अंकल भाई डर लग रहा है, एक हाथ से चला रहा हूँ, इतनी फास्ट चल रही है साइकिल, देखो है ना एक नंबर। ये ब्रेक, वो ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आ गया, ये लो गाइस, बस ये ब्रेकर आती स्पीड कम हो गई, ये लो स्पीड बढ़ चुकी है, ये स्पीड बढ़ गई है गाइस, ये लो जी बाइक से आगे निकल गया यार, बाइक से आगे नहीं निकल भाई। हाँ जी विशाल भाई साहब नमस्कार। तो गाइस इसका चार्जिंग पॉइंट और बिना चाबी इसको कोई नहीं छेड़ सकता। ये अपने विशाल भाई, ये जो बीएड मैन है ना, इनके मालिक, आ जाओ भाई, आ जा कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चला रहे कैश, रेस दो बिल्कुल फुल सही है, बढ़िया गजब की साइकिल है भाई, गजब की भाई। तो ले लो फिर आप भी एक, ये भैया पैसे नहीं है इतने, पैसे तो बहुत है आपके पास। ये क्या ले गया, बुलेट ले गए, साइकिल मस्त है ना, मस्त है, मस्त है। चार्जिंग वाली है, इसमें चार्ज भी लगता है इधर से। अच्छा अच्छा, यहाँ लगता है क्या? नहीं ये तो यहाँ से लगता है चार्ज। कितने की है, मेरे को दिलाओगे? मेरी नहीं है भाई। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और ये देख लीजिए, अभी मैं खा रहा हूँ फिलहाल लीची, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ मैंगो वो लिया था ना बनाना शेक, तो अभी बच चुके हैं दोपहर के 12, तो फिलहाल खाते हैं लीची। और हाँ, और अब लीची भी आने लग गई, लीची का सीजन आ गया है, तो अब डेली घर में लीची आएंगी, मैंगो आएंगे, वाटरमेलन, खरबूजा, ये अब इनका सीजन आएगा मस्त मस्त फ्रूटों का। तो फिलहाल तो अपन खाते हैं लीची, तो चीयर्स गाइस। तो गाइस लीची खा ले, लीची तो काफ़ी मीठी मीठी थी। और फिलहाल अभी मेरे को पता चला है कि रिलेटिव कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, तो अभी 12:15 बज चुके हैं, उन्होंने 12:30 का नाम लिया, देखते हैं कब तक आते हैं, तो देखते हैं। तो गाइस टाइम हो चुके हैं दोपहर के 1:30, और अभी तक जो आने थे वो रिश्तेदार आए नहीं, और मेरे को लग रही है भूख, और लीची खाई थी ना 1 घंटा हो गया, 12:15 खाई थी, और अभी 1:30 बज चुके हैं, आपने देखा होगा टाइम अभी। तो फिलहाल तो भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो खा लेते हैं गाइस। किसी ने नहीं खाया, तो हमने सोचा कि रिश्तेदार आएंगे उनके साथ खाएंगे, पर लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, तो अभी मैं तो खा रहा हूँ, मेरे को भूख कंट्रोल नहीं हो रही मेरे से अभी। तो गाइस अभी मैं किचन में आ गया, आज देखते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि आज रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई बढ़िया खाना बन रहा होगा। यहाँ पर मौसी रोटी बेल रही है और मम्मी जी रोटी बना रही है, पका रही है, गर्म कर रही है, और इस साइड देखते हैं क्या बनाया आज, वो दाल की सब्जी, और ये है पालक पनीर, हरी हरी बिल्कुल हरी सब्जी, और इसके अंदर, और ये है दही बड़े बनेंगे शायद इससे, और यहाँ पर रसगुल्ले और चावल, बस इतना ही सामान। तो गाइस फाइनली मेहमान आ चुके हैं, जो आने थे रिश्तेदार अपने वो आ गए हैं, और इन्होंने गाइस थोड़ा बहुत लेट कर दिया, 1-1.5 घंटे लेट कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं ऐसे चलते रहता है। और फिलहाल तो 1 घंटा आ गए, 1 घंटा हो गया इन्हें आए हुए, फिलहाल इनको खिलाया जा रहा है खाना, और चाचा जी इनको परोस रहे हैं रोटी, और पापा जी बैठे हैं इधर, और जो ये येलो शर्ट में ये आर्मी मैन है गाइस, थोड़े दिन पहले आए थे घर पर और आज हमसे मिलने आए हैं, और फिलहाल तो ये सभी खाना खा रहे हैं, और अपने गुरु जी बैठे हैं और चाचा जी इनकी कर रहे हैं सेवा। ये देखो गुरु जी बैठे हैं, ये अपने बाबा भी बैठे हैं सारे, मतलब अभी फिलहाल इनका खाना चल रहा है, फिर इनके खाने के बाद हम खाएंगे। आज मेरे को बहुत तगड़ी भूख लग रही, मैंने वेट कर रखा है सुबह से, अभी तक रोटी नहीं खाई है, तो इनके खाने के बाद खाएंगे, तो कोई बात नहीं खा लेंगे इनके खाने के बाद, भूख कंट्रोल कर लेंगे थोड़ी देर। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8:30, और वो रिलेटिव चले गए थे, वो 5:15 चले गए थे, फिर उनके जाने के बाद ऐसे लटका आया नींद का, फिर सो गए, सभी सो गए, बस एक आधे रह गए होंगे, पर सभी सो गए थे। और फिर मेरी आँख तो खुली 8:30 बजे करेक्ट, मैं सोच रहा था आज स्टाइल आ गई थी शोरूम पे, वो दिखाऊंगा आपको, पर कोई नहीं, एक सेम वो डिस्प्ले की फोटो मैं डाल दूंगा, वो देख लेना आप। और मैं सोचा कि आज 5:30 बजे से जाऊंगा, टाइल वगैरह आपको दिखाऊंगा, आज आ गई तो कोई बात नहीं, कल दिखा देंगे क्या दिक्कत है। और अभी फिलहाल तो नहीं चलते हैं, मैं तो 8:30 बजे उठा, अभी 9 बज चुके हैं, तो फल चलते हैं नीचे और करते हैं अपना डिनर वगैरह, फिर सो जाएंगे, आज मैंगो का शेक भी बन रहा है, तो चलते हैं। चलो मैंगो शेक पी रहा हूँ, डिनर तो हो गया है, तो फिलहाल पीते हैं मैंगो शेक, चीयर्स। तो गाइस फिलहाल बज चुके हैं 10:30, और अब अपन सोएंगे, और सोएंगे, नींद तो आनी नहीं गाइस, बस ही थोड़ी देर मूवी देखेंगे। आज मनी आयुष देख रहा था मैं, उसके सीजन 4 देख लिया मैंने, आज सीजन 5 बच रहा है, उसके कम से कम 10 एपिसोड है, 10 एपिसोड तो नहीं देखे जाएंगे सारे, 1 घंटे के 10 घंटे चाहिए टोटल, तो 2-3 तो देख ही लेंगे 1:30 बजे तक, क्योंकि नींद तो आने नहीं, फायदा किया ऐसे तड़सू मड़सू करने से। और जो आज हमारे रिश्तेदार आए थे ना, वो आर्मी मैन है, उनके कैंटीन में बहुत सारा सामान मिलता है ना,
तो कैंटीन में से सब कुछ ले आए, वो किचन का सामान, चाय पत्ती वगैरह, साबुन वगैरह, भुजिया, बिस्कुट, बहुत सारा सामान लाए थे, तो मजा आ गया। और मेरे लिए भी लाए हैं, ये देखिए गाइस, एक ये डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट की, 3 चॉकलेट हैं, और भी काफी सारे, एक बिस्किट भी यूनिबिक का। तो अभी जो खाने की चीज है ना वो दिखा रहा हूँ मैं, जो मेन में जो ये बर्तन वगैरह ये नहीं दिखाऊंगा, साबुन मांजने साबुन वगैरह, तो फिलहाल यही सामान है। और काफी सारी चॉकलेट थी, हमने खा ली है, मैंने भी खा ली, नितिन ने भी खा ली, बहन ने भी खा ली है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छे से कमेंट करना, और सपोर्ट करते रहना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस एक नई टेक्निक दिखाऊं,